व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारा होम स्टेशन है नवाबशाह। और ये नवाबशाह की फेमस डिश है, इसको चांप कहते हैं। और ये मतलब बहुत ही भुनी हुई है और बहुत टेस्टी डिश है बहुत ज़्यादा। तो आज मेरा दिल था आप लोगों के साथ शेयर करने को। ये मैं अपनी बेटी की फरमाइश पर बना रही हूँ, उसको बहुत पसंद है। उससे डेली कुछ पूछो क्या बनाए तो उसका यही जवाब होता है चांप। अगर उसको डेली बेसिस पर खिलाई जाए वो डेली पर भी खाएगी इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, मैं अब आपको बताना था, ये चिकन मैंने बॉईल करके रखी है नमक डाल के, सिंपल नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। और ये बेसन है, बेसन में कुछ नहीं ऐड किया मैंने, ये सिंपल बेसन है। अब मैंने इसको डिप करके इसके अंदर फ्राई करना है, फिर मैं आगे की आपको रेसिपी बताती हूँ इंशाल्लाह। ऐसे मोटी जैसे जिस तरह का भी आप चाहें कोटिंग कर सकते हैं, अच्छी कोटिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारी डिश में जो है बेसन भी ऐड होता है, तो अच्छी कोटिंग आपको करनी चाहिए। ये देखें जैसी भी है मैंने की है, ये देखें हल्का सा मैंने ऑयल अभी गर्म किया हुआ है। सारी चिकन को हम इस तरह फ्राई करके रख लेंगे, तो इसको ठंडा करके हमने जिस तरह हम चंक्स बनाते हैं चिकन के, उस तरह के हमने चंक्स बनाने हैं इसके। जो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस शेप में ये बना के रखा है, इसके अंदर बेसन भी ऐड है, चिकन भी है, दोनों चीज़ें हैं। और ये ऑयल उसका बचा था जो मैंने फ्राई किया था, उसी का ऑयल मैंने यूज़ करना है, वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। प्याज जो है मैंने हरी मिर्च के साथ चॉप करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्च के साथ मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप करके रखी हुई है। दो बड़े प्याज लिए थे मैंने, और ये 3 पाव के करीब चिकन है, 3 पाव चिकन था। ये देखें हरी मिर्चें मैंने साथ ही चॉप कर दी थी, सारी प्याज मैंने लिए, 2 बड़े प्याज थे मेरे पास। जो नवाबशाह के मेरे व्यूअर हैं वो जरूर जिसको जानते होंगे, और टमाटर भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। टमाटर को भी मैंने चार छोटे टमाटर मैंने लिए थे, उनको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। ये देखिए टमाटर इस तरह मैंने इसकी चॉप करके रखे हैं। प्याज हमें ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, चपाती के साथ और अच्छे से रायते के साथ इसको सर्व करते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्याज मुझे इस तरह की चाहिए थी, प्याज हमारी रेडी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँ कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून डाली मैंने, क्योंकि प्याज के साथ भी मैंने हरी मिर्च चॉप की हुई है। ये डाली मैंने हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये भी 1/2 से थोड़ी सी कम मैंने डाली है क्योंकि मुझे हरी मिर्च दोबारा ऐड करनी है। और ये है काली मिर्च, ये भी 1/2 टीस्पून काली मिर्च मैंने ऐड कर दी है। इस स्टेज पर हमने पहले इसके अंदर अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मेरे पास, और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। टमाटर हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे कि हमें जो है थोड़े से चंक्स चाहिए टमाटर के, तो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ सारा अपना। फिर 3 पाव के करीब चिकन था मैंने आपको बताया, बड़ी हटके डिश है ये, आप लोगों को बिल्कुल अलग डिफरेंट एक चीज़ लग रही होगी। मैं ऐड करी टमाटर मैं बचा रही हूँ, सारे नहीं डालूंगी, जरूरत अगर मुझे पड़ेगी तो मैं दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी, थोड़ा सा दबा दबा के करेंगे क्योंकि टमाटर हमें घुलाना नहीं है, टमाटर हमें रखना है इसमें थोड़ा सा। अभी फिर से इसके अंदर डाल दूँ हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया,
ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। 5 मिनट में इसकी और बुनाई करूँगी, फिर मैं आपको ये डिश आउट करूँगी इस डिश को। व्यूअर्स, मज़ेदार हमारी चाप तैयार है ये देखें, और मैंने इसको रायते के साथ सर्व करी और चपाती के साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।